स्टार प्लस का लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपको नायरा की सास स्वर्णा का किरदार तो याद होगा, जिसे निभाया था टीवी की खूबसूरत अभिनेत्री पारुल चौहान ने, जिन्होंने इस किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया था और जिसे निभाकर इन्होंने काफी ज्यादा दौलत शोहरत भी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में सास का किरदार निभाकर मशहूर हुई पारुल चौहान ने सीरियल में इतनी ज्यादा दौलत शोहरत हासिल कर ली है कि आज वो काफी आलिशान जिंदगी जी रही हैं, जिनकी आलिशान लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए आज हम आपको पारुल चौहान की आलिशान जिंदगी से रूबरू करवाने वाले हैं, पर उससे पहले आप इनके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में सास का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री पारुल चौहान का जन्म 19 मार्च 1988 को लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2006 में आए सीरियल कहीं तो होगा में कैमियो रोल करके की थी, जिसके बाद ये हमें साल 2007 में सपना बाबुल का विदाई सीरियल में रागिनी का किरदार निभाते हुए नजर आई, जिसमें इनकी एक्टिंग को और इनके अंदाज को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद में ये हमें कई सारे टीवी शोज में नजर आई, जिनमें रिश्तों से बड़ी प्रथा, पुनर्विवाह, वन नई उम्मीद और मेरी आशिकी तुमसे ही जैसे सीरियल शामिल हैं। पर आपको बता दें कि आखिरी बार ये हमें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में स्वर्णा का किरदार निभाती हुई नजर आई, जिनमें काम करके इन्होंने लगभग 10 करोड़ तक की दौलत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि इनके पास मुंबई के जुहू इलाके में 14 करोड़ का घर है, जिसमें 3 से 4 बेडरूम है, जिन्हें ब्लू कलर के पेंट से पेंट किया गया है, एक बड़ा सा हॉल और किचन जिसे रेड और येलो कलर से पेंट किया गया है, और शानदार मूर्तियां झूमर के साथ साथ खूबसूरत पेंटिंग और इंटीरियर डिजाइन से डिजाइन करवाया गया है। वहीं इनके इस आलिशान घर में एक बालकनी भी है, जहां खूबसूरत प्लांट है और जहां से मुंबई का एक शानदार खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। और यही नहीं, इनके घर में इनका बड़ा सा गार्डन भी है, जो इनके घर की शोभा को और बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक आलिशान घर में रहती ही नहीं है, बल्कि ये एक आलिशान जिंदगी भी जीती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इनकी एक साड़ी और रेगुलर सूट की कीमत लगभग 50 से 60 हजार तक की होती है। वहीं ये अपनी रेगुलर आम ज्वेलरी में भी 1 से 2 लाख रुपए यूं ही उड़ा देती हैं। साथ ही इन्हें ब्रांडेड सैंडल का भी काफी शौक है, इसीलिए तो ये पराडा और गुची ब्रांड के सैंडल पर 2 से 3 लाख रुपए यूं ही खर्च कर देती हैं। तो वहीं अपने पर्स और परफ्यूम पर 10 से 12 हजार रुपए खर्च करती हैं, जिसकी बदौलत ये एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनकी इस आलिशान जिंदगी को कंप्लीट करती है इनकी महंगी और लग्जूरियस गाड़ियां, जिनमें मर्सिडीज बेंज, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार शामिल हैं। अब अंत में बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2018 में एक्टर चिराग ठक्कर से शादी की है, जो अब तक हमें ये है लॉलीपॉप और बद्री द क्लाउड जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनके साथ ये एक आलिशान और अमीरों वाली जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी पारुल चौहान की आलिशान जिंदगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।